My dear all friends, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि उसके जो वार्म कलर क्या होता है, कूल कलर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है. फिर हमने वार्म कलर के प्रॉपर्टीज़, ब्लू कलर के प्रॉपर्टीज़, मोनोक्रोमेटिक कलर के प्रॉपर्टीज़ पर हमने आपको समझाने की कोशिश किया था. और अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी समझाने की कोशिश किया था कि ब्लू कलर, वार्म कलर और कूल कलर और मोनोक्रोमेटिक कलर कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताने के, और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. आज हम लोग कलर स्कीम को लेकर ही बात करेंगे, कलर थ्योरी को लेकर ही बात करेंगे, ताकि आप उस पर जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए. वैसे तो कलर थ्योरी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. अगर इसको एक एक कलर को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि अथाह समुद्र है. तो इसको लेकिन हम एक मोटे स्तर पे चीज़ों को अगर समझ जाते हैं कि कलर थ्योरी को, तो हमें कोई भी लेआउट डिज़ाइन करते वक्त कलर्स जो के जो एक ग्राफ है उसको हम समझ सकते हैं. इसलिए सॉरी इसलिए कलर थ्योरी को हमेशा माइंड में रखा जाता है. और कलर ऐसे भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इट्स पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. तो हम जो हम पहनते हैं, जो कलर्स ड्रेस पहनते हैं, वो हम बहुत चूजी कलर्स पसंद, अपने पसंद के कलर के अकॉर्डिंग पहनते हैं. इसके साथ ही हम अपने जो रूम को डिज़ाइन करते हैं तो वो भी हम अपने जो साइकोलॉजी, जो हमारा दिमाग जैसा सोच रहा है, हम जिस नेचर के हैं, जिस हमारा जैसा बिहेव है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कलर को भी सेलेक्ट करते हैं. तो कलर, तो कलर का यूजेस और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अपने साइकोलॉजी के अनुसार भी यूज़ करते हैं. तो कलर तो हम हर जगह एक कह सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसके बिना, कलर के बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो आप जो ड्रेस पहन रहे हैं, जो घर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो जो एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या आसपास जितने भी लोग हैं उनके जो कलर देखिए कि कलर जो डिज़ाइन है कलर का, कुछ कौन से कलर्स को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, सोचने समझने की क्षमता है. तो खैर ये तो अलग विषय का बहस है, लेकिन जो एक कलर के जो ग्रामर हैं, जो थ्योरी हैं, जो डिसिप्लिन है, उसको हम अगर समझ जाते हैं तो और भी चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाता है. इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि कलर स्कीम और कलर जो कलर थ्योरी है उसको समझ सके, जो प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टर्टियरी कलर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके में जो कलर व्हील है, कलर व्हील में वार्म कलर कहाँ पे होता है, कूल कलर कहाँ पे होता है, कूल कलर के फिर अपने ह्यू कलर होते हैं, ह्यू कलर क्या होता है, टोन क्या होता है, डार्क शेड क्या है, लाइट शेड क्या है, मोनोक्रोमेटिक क्या है, ये सब सारे थ्योरी को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें कलर, जब हम प्रोडक्ट या लेआउट डिज़ाइन करेंगे या कर रहे हैं, तो उसमें कलर्स को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए हम कलर यूज़ कर सकते हैं. तो इस बात का ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी होता है. इसके साथ ही जो लेआउट डिज़ाइन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट रह जाता है, मान लिया जाए आपने टेक्स्ट लिखा, तो वो टेक्स्ट के कलर किस कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद अगर आप मान लीजिए बैकग्राउंड आपका येलो है और फॉन्ट येलो रखेंगे, या येलो के जो टोन रखेंगे, फिर भी जो है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकेंगी. तो इस बात का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि तो कलर्स थ्योरी को इसलिए माइंड में और कौन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी. इसके अलावा अपने आसपास की चीज़ों को भी आप जब देखेंगे तो मोनोक्रोमेटिक कलर, ह्यू कलर्स के यूजेस करते हैं,
उसके बाद जो कलर के वार्म कलर और कूल कलर, तो जो विंटर वेकेशंस आता है तो उसमें हम कौन सा कलर का यूज़ करते हैं, हम जब समर आता है तो हम कौन सा कलर का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बहुत मायने रखता है। तो जैसे विंटर आता है तो वार्म कलर को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कूल कलर समर आ रहा है तो हम कूल कलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान में रखते हैं। और एक सीज़न से भी हम, मतलब अगर जैसा सीज़न है, समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, या स्प्रिंग सीज़न है, या रेनी सीज़न है, तो इस ये जो सीज़न है इसके अकॉर्डिंग भी जो है हम कलर को चूज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सीज़न के अकॉर्डिंग जो है हम कलर का एक कह सकते हैं यूज़ कर जो एक थ्योरी है उसको हम डेवलप करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो वार्म कलर है, कूल कलर है, हम उसके अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी है कि वो उसकी इंटेंसिटी ही ऐसी है उस कलर की जो आपको वार्म को बनाता है, यानी उसके कलर जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए विंटर में जो वार्म कलर का यूज़ किया जाता है ताकि आप जब वो कलर पहने तो आपको बॉडी हीट रह सके। कूल कलर इसलिए क्योंकि गर्मी है, समर है का सीज़न है, इसमें हम ऐसे कलर को सेलेक्ट करते हैं जो आपको थोड़ी सी राहत दे सके, थोड़ा बॉडी आपको कूल कर सके, तो हम इसमें कूल कलर का यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, फिर वाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो जो कूल कलर है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो बॉडी है वो कूल रह सके। तो डिफरेंट सीज़न के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी, एक बहुत बड़ा थ्योरी है। इस थ्योरी जब आप पेंटिंग करेंगे या इसमें कलर को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि कलर अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, इनको समझना है तो। लेकिन मोटे स्तर पर हम चीज़ों को इस तरह से समझा जा सकता है कि कलर थ्योरी क्या है, कलर स्कीम क्या है, कलर टोन क्या है, मोनोक्रोमेटिक कलर क्या है, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। तो इसके थ्रू जो है हम एक कलर के जो एक जो ग्रामर है उसको अगर हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो आगे कलर यूज़ करने में हमें बहुत हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आपके आसपास की चीज़ों को आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है किसके लिए बनाया गया है, कैसे यूज़ करते हैं वो, तो और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया गया है वो किस कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आइडियाज़ क्या है, किसको ध्यान में रखकर जो क्लास है, किस क्लास को ध्यान में रखकर वो डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही जो कलर के जो कहते हैं ना कि रंग भेद भेद भेदभाव, तो रंग भेदभाव जो भेद और भाव, ये जो इस कलर के जो एक जो निकल कर आते हैं, तो आप जैसे गांव में जाएंगे तो गांव के जो कलर्स हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है वहाँ यूज़ करने का, जो वहाँ की थ्योरी है यूज़ करने का कलर का, वो बहुत ही कह सकते हैं डार्क और प्राइमरी कलरों को ज़्यादा यूज़ करते हैं वे लोग। और लेकिन जो एक मेट्रो सिटी है या कोई शहर है, शहर के लोग जो है ह्यू कलर, ब्राइट कलर या कंट्रास्ट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग भी जो है हम कलर को यूज़ करते हैं। और एक लेआउट डिज़ाइन के लिए कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कलर थ्योरी को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो भी कलर थ्योरी से ही रिलेटेड है और उसके भी अपने इम्पोर्टेंस है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कूल कलर, वार्म कलर, मोनोक्रोमेटिक कलर, ह्यू कलर, इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम आगे समझने की जो जो आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसके एडवांटेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी यूजेस क्या है। तो
इसी को आज हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको पता ही है कि हम आपको अपने सिलेबस और कोर्स कोड से हम आपको बताते हैं, रूबरू करवाते हैं। कोर्स नेम है आप लोगों का BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर फर्स्ट, सेशन 2020-21, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया। फैकल्टी हमारा नाम पता ही आप लोगों को, हमारा ईमेल आईडी है ashishkumarjohar@bvdu.ac.in। अब चलिए सिलेबस पर थोड़ा गौर करते हैं। अब आपका जो सिलेबस है, जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया, चार मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की जानकारियाँ हमने, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, एरा ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट रिवोल्यूशंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बातचीत किया। इसके साथ ही फिर जो ब्लॉग है मॉड्यूल टू में भी ब्लॉग, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं वो मॉड्यूल 4 है, लेआउट डिज़ाइन है। तो लेआउट डिज़ाइंस के जो प्राइमरी जो लेवल है उसको हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद जो लेआउट डिज़ाइन है उसमें जो जो टेक्स्ट है, बॉडी है, जो कलर थ्योरी है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया का सिलेबस काफ़ी बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। टेक्निकली तौर पर बहुत अच्छा तैयार किया गया, बनाया गया है, ताकि आप प्रोफेशनल फील्ड में जाए तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको देखें तो ये सिलेबस काफ़ी बेहतर है। अब कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया, एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन, लर्निंग आउटकम, टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया एंड वेरियस इंटरनेट टूल्स फॉर फास्ट डिसमिनेशन ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर, टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड न्यू मीडिया, टू अंडरस्टैंड द बेसिक IT एप्लीकेशन दैट इज यूजिंग इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर मीडिया, टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स एंड एबल टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स फॉर डिफरेंट मीडिया यूजेस, टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अप्लाई वेरियस एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक्स कम्युनिकेशंस फॉर प्रिंट मीडिया, टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये आपके लर्निंग आउटकम है। आज हम लोग बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री की। हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोनोक्रोमेटिक को लेकर डिस्कस किया था कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोनोक्रोमेटिक कैसे कलर्स को जो अपने ही प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक में हमने ये समझने की कोशिश किया था, जिसमें मोनो मीन्स वन और क्रोमा मीन्स कलर, तो एक कलर से ही जो है उनके डार्क और लाइट शेड बनते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक कलर। तो एक ही कलर को जब हम अलग अलग शेड्स उसके बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक कलर कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री कलर्स आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील, प्रोवाइड अ हाई कॉन्ट्रास्ट इफ यू वॉन्ट टू बी नोटिस बियर कम्प्लीमेंट्री कलर। तो अब ये देखिए, जो ब्लू है, जो पर्पल कलर है, उसके जो अपोजिट कलर क्या है, येलो है, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री यानी ठीक अपोजिट वाले कलर। ऑरेंज है तो ब्लू है, रेड है तो ग्रीन है। तो ये जब अपोजिट कलर हो जाते हैं यानी हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो अपोजिट कलर कलर विल प्रोवाइडेड अ हाई कॉन्ट्रास्ट,
जैसे ब्लू येलो है तो हाई कंट्रास्ट उसका जो पर्पल कलर होगा, ब्लू है तो ऑरेंज है, रेड है तो ग्रीन है, तो ये इसके कंप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट कलर हैं। अभी देखिए कंप्लीमेंट्री कलर्स है, इसमें जो ब्लू है उसको ऑरेंज ठीक अपोजिट कलर यूज़ किया गया है, ठीक है। ये ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं तो वो भी उसी तरह से जो है कंप्लीमेंट्री कलर का यूज़ किया गया है। अब नेचर में भी ये चीज़ें पाई जाती है कि ग्रीन है तो रेड और वाइट्स के जो है मिक्सचर पाए गए हैं कंप्लीमेंट्री के। इसके साथ ही आप जो चौथी इमेज लास्ट इमेज है तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो इमेज क्रिएट किया गया बनाया गया है वो बिल्कुल ही कंप्लीमेंट्री कलर का यूज़ करके बनाया गया है। तो कंप्लीमेंट्री कलर जो क्या होता है, अपोजिट कलर होता है ठीक कलर व्हील के। अब जैसे इस कलर व्हील को आप देखें तो आपको ध्यान से तो आपको जैसे ब्लू है तो ऑरेंज है, येलो है तो पर्पल है, ठीक है, तो इसके बाद रेड है तो ग्रीन है, फिर उधर ऊपर मैजेंटा है तो इधर नियॉन ग्रीन है, ब्लू है तो ऊपर में कलर व्हील के राइट साइड के रेड और ऑरेंज के बीच की जो कलर है वो है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री वो कलर जो कि कंट्रास्ट कलर के अपोजिट हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन ऐसा कलर जो कि कंट्रास्ट कलर के ठीक तीन कलरों में डिवाइड हो जाता है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर आल्सो अपोजिट ईच अदर बट इंक्लूड थ्री और फोर कलर नॉट जस्ट टू। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कंटेन आर एक्चुअल कलर यानी ह्यू कलर, द टू कलर आर इधर साइड और ऑफ तो उसे हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर आल्सो अपोजिट ईच अदर बट इंक्लूड थ्री और फोर कलर नॉट जस्ट टू। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट्स आर एक्चुअल कलर ह्यू कलर द टू कलर्स इन ईच साइड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो कलर व्हील है आप जैसे देखिए ये पर्पल कलर है और इसके ठीक अपोजिट जो है ये तीन कलरों को इसके इससे रिलेटेड जैसे येलो है और इसके लेफ्ट और राइट के जो दो कलर हैं इस तीनों कलर को ही ये स्प्लिट कलर कहते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री को भी हमें जैसे ब्लू है तो ब्लू के जो स्प्लिट कलर जो होंगे वो ऑरेंज और उसके फिर ह्यू कलर उनके बना रहे हैं। जैसे मैजेंटा है ऑरेंज है तो ऑरेंज के ह्यू कलर बना रहे हैं, लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज। तो इसी तरह से ग्रीन है तो ग्रीन और रेड के और के अपोजिट ग्रीन है तो ग्रीन के ह्यू कलर बना रहे हैं, लाइट ग्रीन और नियॉन ग्रीन। तो इसी तरह से जो अलग अलग डिफरेंट कलर व्हील पे जितने भी कलर हैं उसके जो हैं वो कलर बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। एनालॉग्स कलर एक ही कलर से जो रिलेटेड होता है। एनालॉग्स कलर स्कीम इज थ्री टू फाइव कलर्स एडजेंट्स टू ईच अदर ऑन ऑन द कलर व्हील। दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर प्रोवाइडेड वेरी लिटिल कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें जो कलर होता है एक ही कलर से तीन पांच कलर बनाते हैं, थ्री टू फाइव कलर्स जब ये कलर आपस में जब कम्बिने बनते हैं तो इसको एनालॉग्स कलर कहा जाता है। एनालॉग्स मतलब एक कह सकते हैं कि एक ही कलर के अलग अलग जो शेड बनते हैं, जैसे रेड है ऑरेंज है, रेड ऑरेंज को मिलाकर जो कलर बना, फिर ऑरेंज और येलो को बनाकर जो मिला बना,
तो ये जो डिफरेंट शेड्स है, ये डिफरेंट शेड जो बनते हैं जब दो कलरों को मिलाकर, उसको एनालॉग कलर कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल है एनालॉग्स कलर के। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, एक्रोमैटिक द डिजनेटिंग कलर परसीव्ड टू हैव जीरो सैचुरेशंस एंड देयर फॉर नो ह्यू सच एज नेचुरल ग्रे, वाइट और ब्लैक। ठीक है, तो जिसमें कि सैचुरेशन जो होता है वो बहुत जीरो होता है, इसके बाद जो ह्यू कलर नहीं होता है, और उसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, नेचुरल ग्रे, वाइट और ब्लैक का यूज़ किया जाता है जी, उसे ही एक्रोमैटिक कलर यूज़ करते हैं, जिसमें कलर्स का यूज नहीं किया जाता है, सेचुरेशंस जो है बहुत ज़ीरो, और इसके साथ ही जो नेचुरल ग्रे है, वाइट है और ब्लैक है, डैट इज़ कॉल्ड द एक्रोमैटिक कलर, उसे कहते हैं। एंड दैट्स इट। आज के लेक्चर सेशन में बस इतना ही। अगले लेक्चर सेशन में हम बात करेंगे किसी और विषय को लेकर, लेकिन आपको पता है कि हम अपने लेक्चर को जब एंड करते हैं, तो उससे पहले आपको उस लेक्चर्स के बारे में आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, ताकि आप उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो आपको पता है कि मैं रिमाइंड करता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज ये हमने इस लेक्चर सेशन में क्या चीज़ों पे डिस्कस किए, क्या हमने समझा कलर्स थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बारे में, इसी चीज़ को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्रोमेटिक की बात करें तो एक्रोमेटिक जो एक ऐसा कलर जो कि ब्लैक एंड वाइट के ही जो अपने कलर्स को, कोई ह्यू कलर नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, उसको एक्रोमेटिक कलर कहते हैं। अब ये एग्जांपल देख सकते हैं सन का, प्रिस्क्राइब्ड हैव जीरो सैचुरेशंस देयर फॉर नो ह्यू सच एज नेचुरल ग्रे एंड वाइट और ब्लैक। तो नेचुरल ग्रे, वाइट और ब्लैक को ही एक्रोमेटिक कलर कहते हैं। ये एनालॉग्स कलर है, एनालॉग्स जो होते हैं वर्म कलर, उसी के मतलब से जब कलर का यूज़ किया जाता है तो उसको एनालॉग्स कलर कहते हैं। येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन, ब्लू ग्रीन, पर्पल, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो जब एनालॉग्स कलर जो होते हैं उसके ही प्रॉपर्टीज़ और जब बनाते हैं एक ही प्रॉपर्टीज़ के, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि रेड है तो रेड, ब्लू रेड, येलो रेड, इस तरह से कलर्स जो बनते हैं उसको, एक ही कलर के जब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसको एनालॉग कलर कहा जाता है। स्प्लिट कंप्लीमेंट्री, ये भी हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद कंप्लीमेंट्री, तो कंप्लीमेंट्री को भी हमने समझने की कोशिश की। तो आज के इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश किया कि जो कलर्स थ्योरी में जो मोनोक्रोमेटिक कलर हैं, जो एक कलर के जो स्कीम है वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके साथ ही जो कंप्लीमेंट्री है, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री है, एनालॉग है, उसके बाद एक्रोमेटिक कलर है, तो ये जितने भी कलर को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ये कलर जो है इन सब कलरों को, अगर जो कलर्स की थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो उनके टूल टेक्निक है, उसको यू हम समझ जाते हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं,
तो हम जब कलर थ्योरी का यूज़ करने का वक्त आता है, समय आता है, तो हम उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ कर पाते हैं। जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके जो उनके टूल टेक्निक है कलर के, उसके आइडियाज़ हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो कलर थ्योरी जब भी हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की बहुत अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि कलर को बहुत अच्छे ढंग से हम यूज़ करते हैं। इसलिए हमेशा लेआउट डिज़ाइन करते वक्त कलर्स थ्योरी को हमेशा माइंड में रखें कि हम किस प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें किस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, हमारा जो प्रोडक्ट का जो क्लास है वो किसके लिए है, यूथ के लिए है या ओल्ड के लिए है, वीमेन के लिए है या बच्चे के लिए है। उसी तरह से हम ग्राफिक को भी डिज़ाइन, इलस्ट्रेशंस को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो उसमें जो टेक्स्ट है उसको भी कलर, टेक्स्ट का कलर जो है अलग ढंग से यूज़ करेंगे। तो अब जो जैसे बच्चे की हम बात कर लें, तो बच्चे के जो मैगज़ीन आते हैं, ठीक है, जो बच्चे के लिए बुक आती है, ऐसा बुक जो कि बच्चे जो जिसे प्राइमरी लेवल के जो बुक होते हैं उसमें बच्चे का कलर देखेंगे, बहुत कूल कलर और एक वार्म कलर, दोनों कलर का यूज़ किया जाता है। तो अब ये दोनों कलर इसलिए क्योंकि बच्चे वो जो है उनको कन्फ्यूज़न ना हो, बच्चे वो कह दे रेड वाली बुक है, ये ग्रीन वाली बुक है, ये येलो बुक है, तो जो अब उनके ह्यू कलर दे दे तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये कलर कौन सी बुक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को, अगर हम जिस बच्चे के लिए हम बुक बना रहे हैं वो बच्चे को कलर कम से कम एक जो प्राइमरी कलर है उस कलर के कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम समझाएं तो वो अच्छे से समझ जाए। इसलिए जो कार्टून भी बनते हैं बच्चे के लिए, जो कार्टून सीरियल बनते हैं उसमें भी जो कलर्स थ्योरी का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही कह सकते हैं प्रोमिनेंट और प्राइमरी कलर का यूज़ किया जाता है। रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, तो यही सब कलर का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे जो है उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सके, उस बहुत अच्छे से साइकोलॉजी तौर पर भी तैयार हो सके कि जो हमारा कैरेक्टर है वो येलो में है, हमारा कैरेक्टर जो है रेड में, हमारा कैरेक्टर ब्लू में है। तो जो उसके कैरेक्टर है और जो उसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उस जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वो ह्यू कलर्स में अगर आस पास पहने हैं तब तो और भी बेहतर हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी कार्टून सीरियल देखेंगे उसमें जो कलर्स का जो प्रोमिनेंट कलर है, जो प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, ये सब कलर का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और अपने कैरेक्टरों को बहुत अच्छे से पहचान सके। ये बेसिक चीज़ हो जाता है ये। इसलिए कलर्स थ्योरी को हमेशा जहन में और दिमाग में रखने की ज़रूरत हो जाती है। तो लेआउट डिज़ाइनिंग में हमने इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की किया। इसके साथ ही लेआउट डिज़ाइन हम आई होप कि जब आप इन फ्यूचर्स या आप अपने घर पे जब लेआउट डिज़ाइन किसी प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो वो प्रोडक्ट को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लेआउट डिज़ाइन करेंगे। और एक चीज़ तो है, इस लेक्चर से आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि लेआउट डिज़ाइन इतना आसान भी और सिंपल नहीं है, क्योंकि लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत चीज़ों के ध्यान में रखना पड़ता है। एक ब्लैंक पेपर को फुलफिल करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो हमें अपने एरिया को सेलेक्ट करना होता है, फिर उसमें जो कलर है उसको सेलेक्ट करना होता है, टेक्स्ट को कलर टेक्स्ट और इमेजेस को सेलेक्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से इलस्ट्रेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर जो आगे की लड़ाई है, जो आगे आप सोच रहे हैं, जो क्रिएटिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं कोई भी चीज़, या कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, या किसी मैगजीन या पेपर का लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगेंगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब लेआउट डिज़ाइन करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर करें। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग बच्चे कहते हैं कि लेआउट डिज़ाइन करना बहुत आसान है, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे मैगजीन्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ऐसे जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर जो जहाँ से छपते हैं उनके
जो इसलिए लोग नहीं पढ़ते क्योंकि जो उनके लेआउट डिज़ाइन है उनको अच्छा ही नहीं लगता है, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है। तो जब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो पेपर खरीदते ही नहीं है, उनको दूर से ही लग जाता है कि ये चीप होगा, इसमें जो खबर होंगी उनको उसी तरह से खबर होंगी। तो ये सब जो एक साइकोलॉजिकल जो माइंड पर प्रेशर पड़ता है, इन्हीं सब चीज़ लेआउट डिज़ाइन के कारण होता है। इसलिए आप अच्छे मैगजीन्स को देखेंगे, अच्छे न्यूज़पेपर को देखेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग भी उसी तरह से होती है, तो उनके कलर थ्योरी भी उसी तरह से डेवलप किए जाते हैं उसमें। तो लेआउट डिज़ाइन जो है वो इकोनॉमिक को भी बहुत ज़्यादा असर करता है, यानी आपके बिजनेस ग्रोथ को डेवलप करने में लेआउट डिज़ाइनिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए कहीं भी आप किसी भी मीडिया या खासकर जो मीडिया इंडस्ट्रीज़ में आप जा रहे हैं, तो मीडिया इंडस्ट्रीज़ में आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम लेआउट डिज़ाइन कैसे तैयार करें ताकि लोगों को बहुत आसान और बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि बहुत क्लिष्ट और बहुत कलर्स का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट और पंचिंग का यूज़ कर रहे हैं या इलस्ट्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी कोई भी एक्सेस चीज़ें हो जाती है वो आपके सब्जेक्ट को ख़राब कर सकता है। इसलिए हमें हर चीज़ को बहुत बैलेंसिंग फॉर्म में जो होता है लेआउट डिज़ाइन करना होता है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए आप डिफरेंट मैगजीन्स को ख़रीदें या देखें या अपने इंटरनेट पर देखने की कोशिश करें। अगर अभी तो खैर फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स के लेआउट डिज़ाइन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के लेआउट डिज़ाइन देख सकते हैं, टेलीविजन्स के जो पे जो चैनल सब हैं जितने भी चैनल हैं उसको आप लेआउट डिज़ाइनिंग के थ्रू देख सकते हैं कि आज तक के कैसे हैं, न्यूज़ सेगमेंट में जी न्यूज़ के कैसे हैं, NDTV के कैसे हैं। तो इसके अलावा इंटरटेनमेंट्स के कैसे लेआउट डिज़ाइन हैं, हिस्टोरिकल चैनल्स के कैसे लेआउट डिज़ाइन किया गया है, तो ये सब उनके लोगो कैसे डिज़ाइन किया गया, स्क्रीन पे जो डिज़ाइन है वो कैसा किया गया, कौन से कलर कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइट है, कौन से कलर को यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो हर चीज़ को आप जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और आपको जितने भी मैगजीन्स हैं न्यूज़पेपर है उसको देखते रहिए कंटिन्यूअस। हो सके तो किसी प्रोडक्ट के लिए आप खुद लेआउट डिज़ाइन करें, या किसी मैगज़ीन के लिए आप लेआउट डिज़ाइन करें, या किसी न्यूज़पेपर के लिए जो है डिज़ाइन करें। तो इस तरह से जो एक तब जाकर आपके जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है वो डेवलप करेगा। नहीं तो अक्सर क्या होगा कि जब आपके पास जब आप प्रैक्टिस नहीं की करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी इस तरह की आएंगी तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे या आपके अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा कि मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी किया ही नहीं है लेआउट डिज़ाइनिंग किसी भी मैगजीन न्यूज़पेपर या किसी लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ों को उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इजी वे में जो है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कंपनी के लिए जो आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। या आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पर कलर का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, तो आप वहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको मिल रहा है कि आप प्रिंट के लिए कोई प्रोडक्ट को आपको डिज़ाइन करना है, तो आप बहुत अच्छे से अगर आप समझे रहेंगे तभी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ को समझना, उस प्रोडक्ट के जो क्लास है उसको समझना, उस प्रोडक्ट का जो एम क्या है, प्रोडक्ट किसके लिए बनाया गया है इसको समझना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे लाइफ बॉय देखेंगे तो उसमें जो लाइफ बॉय में रेड का होता है और वो सिल्वर से वो चारों तरफ उनके कोटेड होते हैं, तो रेड इस डेंजर्स के कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं और सिल्वर जो है आपके बॉडी को पूरे प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक कह सकते हैं एक डेंजर और प्रोटेक्शंस दोनों मिलाकर जो है एक उनके जो लेआउट है लाइफ बॉय के साबुन के जो रैपर हैं रैप हैं उस पर आप
उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मान लिया जाए डेटॉल है, तो डेटॉल के अलग अलग जो फ्रेगनेंस हैं, जो अलग अलग इस जो उनके कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हैं, जैसे डिटॉल के एक बेसिक है, फिर तुलसी वाले हैं, फिर मिंट है, तो वो मिंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ठंडा है करता है मिंट, तो उसमें ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। तुलसी ग्रीन होता है, ऑक्सीजन्स होते हैं तुलसी में, तो उनके जो रैपर देखेंगे तो उसी तरह से जो है उनके रैप को डिज़ाइन रैपर को डिज़ाइन किया जाता है तुलसी ग्रीन का, और फिर ऑक्सीजन्स के बबल्स दिखाने की कोशिश की जाती है, फ्रेशनेस फील होता है, ऑक्सीजन्स आपको मिलता है तो बॉडी में, तो वो इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ढेरों पड़े हैं प्रोडक्ट जिसको आप देखकर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, तो उस हिसाब से जो आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे गुड नाइट्स को प्रोडक्ट को ले लीजिए या ऑल आउट को ले लीजिए, तो ऑल आउट का आप जब डिज़ाइन देखेंगे तो ऑल आउट्स के जो प्रोडक्ट है वो लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड के थोड़ा सा ऊपर में एक बड़े बोल्ड में ऑल आउट लिखा हुआ है, क्योंकि दूर से भी रखा हो तो कोई ऑल आउट पढ़ ले उसे। इसके साथ उसके जो बैकग्राउंड है उसमें रात का दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से रात को डार्क ब्लैक शेड में नहीं बनाया गया है, उसको ह्यू कलर्स में क्रिएट किए गए हैं। तो ह्यू लाइट टू डार्क के थ्रू जो है ब्लू को एक मोनोक्रोमेटिक कलर यूज़ करके हम उसको ऑल आउट्स को रैपर को देख सकते हैं। तो ये मतलब एक बेहतर ढंग से आप किसी को समझने का एक बेहतर तरीका है। इसके अलावा आप बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से जो है लेआउट डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उनके कंज्यूमर उनका क्लास क्या है, उनके कंज्यूमर कौन कौन से हैं, वो फिर उसके बाद वो बच्चे के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है या ओल्ड के लिए हो रहा है या यूथ के लिए हो रहा है, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं उसको देखकर आप समझेंगे। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन को ले लीजिए, वो बच्चा के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब उनके जो कलर है उसी तरह से सॉफ्ट कलर्स का यूज़ करते हैं, अगर ब्लू है तो लाइट ब्लू का कलर का यूज़ कर रहे हैं, वो पिंक है तो पिंक में भी बहुत लाइट पिंक का यूज़ करते हैं, तो ताकि बच्चे जब उसको देखे तो उसके आँखों पर वो प्रभाव ना पड़े, उसके दिमाग पर ये असर ना पड़े। कलर हमारे दिमाग पर भी असर करता है, तो कि हमारा आँख वो स्मूथनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके, हमारी आँखों में कोई चुभन ना हो, तो इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही जो और भी जैसे हिमालय प्रोडक्ट हैं उसके भी इसी तरह से यूज़ प्रोडक्ट के डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये जो तमाम फिगर जो प्रोडक्ट है, ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट हैं जिसको आप देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कलर्स में कौन से यूज़ किए हैं, टेक्स्ट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो इमेजेस है इलस्ट्रेशंस उन्होंने कहाँ पे रखा है। तो और इसके साथ ही जो एक हमें साइकोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है, बच्चे के दिमाग पर कौन सा असर होगा, कौन सा कलर जो है इफ़ेक्टिव होगा, प्रोडक्ट का जो इंटेंसिटी है वो क्या है। तो ये अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में दिक्कत नहीं होगा। आप एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं कि फ़िलहाल तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में तो मॉल तो खुली हुई है, तो आप मॉल में कोई भी जो गिफ्ट कॉर्नर सेंटर होता है उसमें जाकर आप बहुत इजी वे में जो है एक व्यू देख कर आ सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरह से जो है कलर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया है, किस तरह से टेक्स्ट इमेजेस को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ों प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में बहुत इजी आप फील करेंगे। इसके साथ ही एक एक्सरसाइज आप लाइब्रेरी जा सकते हैं आप,
आप अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ देखिए बुकें जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या कोई ज्योग्राफिक से रिलेटेड है, या साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अगर बुकें हैं तो उसको आप देख सकते हैं, या कोई जो LLB की पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो बुक हैं उसको आप देख सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बुक है उसको देख सकते हैं कि उसके कवर पेज को कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपके पास, आपके आसपास ढेरों आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप कैसे वर्क करते हैं, आप कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे किसी चीज़ को आप क्रिएट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और जितना एक्सरसाइज आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर समझ पैदा होगी, उतने ही ज़्यादा आप क्रिएटिविटी बनेंगे, उतने ज़्यादा कलर थ्योरी का यूज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में आप बहुत सक्षम होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रखें तो आप एक अच्छे से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर वीडियो सेशन के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।